सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि पेटीएम जब एप्स आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें केवाईसी कैसे करें, कितने प्रकार की केवाईसी होती है और केवाईसी करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहां पे केवाईसी करवानी है, ये फ्री होती है या इसका कोई चार्ज आपको देना पड़ता है, ये सारा मैं आपको एप्स के माध्यम से बताने वाला हूं। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको पेटीएम ऐप्स डाउनलोड कर लेना है। यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो भी आप एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने से पहले आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा। नॉर्मल सी जो फॉर्मेलिटी होती है फर्स्ट केवाईसी यानी मिनी केवाईसी की, वो सारी चीज़ें करने के बाद आपका ऐप्स कुछ इस तरह से खुल जाएगा। अब आते हैं फुल केवाईसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें लगती हैं केवाईसी में और क्यों करानी जरूरी है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप अगर केवाईसी नहीं कराते हैं फुल केवाईसी, तो आप अपने बैंक को पेटीएम से नहीं जोड़ सकते हैं बैंक अकाउंट को, और ना ही किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करना पैसा बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बिना केवाईसी किए हुए, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप केवाईसी जरूर कराएं। अब दो चीज़ बता दे रहा हूँ। एक तो जब आपने ऐप्स बनाया था तभी सारी डिटेल जो मिनी डिटेल थी, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी थी, ये हो गई मिनी केवाईसी। अब होती है फुल केवाईसी। तो फुल केवाईसी आप खुद नहीं कर सकते, ना ही इसकी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ना ही इस ऐप से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको लेके आपको अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो ये कैसे देखते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं बताता हूँ। ये किनारे पे तीन बिंदियाँ, तीन लाइनें हैं, इस पर क्लिक करना है और आप सबसे नीचे आ जाइए माई प्रोफाइल सेटिंग पे, ठीक है। माई प्रोफाइल सेटिंग में आने पर ये चीज़ें आपने डाल रखी हैं, ठीक है। आपका नाम होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे केवाईसी डिटेल अगर आपको देखनी है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कंप्लीट योर केवाईसी। तो यहाँ पे केवाईसी पॉइंट है। अब यहाँ पे केवाईसी में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड या पैन कार्ड या फॉर्म 60, दो चीज़ें लगेंगी। या अब मैं आप जो सबसे पहली चीज़ लगेगी, वोटर आईडी कार्ड ले जाइए या ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए या पासपोर्ट या नरेगा या आधार कार्ड, इन सब में से एक चीज़ कोई भी ले जाइए। दूसरी चीज़ है आपका पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ले जाके आपको अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर पर जाना है जो ऑथराइज हैं पेटीएम की केवाईसी करने के लिए। तो ये कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर आ जाइए, यहाँ पे यूपीआई मनी, तो इसको स्वाइप कीजिए तो ये नियर केवाईसी दिख रहा होगा आपको, नियर बाय केवाईसी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे नियर बाय, आपको अपना लोकेशन ऑन कर लेना है मोबाइल में जीपीएस, उससे आपके नियर बाय जितनी भी केवाईसी सेंटर होंगे वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे बाकायदा किलोमीटर भी दिखाता है, कितने किलोमीटर है जहाँ आप खड़े हैं। आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि खुला हुआ है सेंटर, नहीं खुला हुआ, या वो कोई पेमेंट लेता है या नहीं लेता है। मैं दोस्तों बता दूं कि कस्टमर केयर पर जब आप पूछेंगे तो आपको सब चीज़ फ्री रहेगी, यानी केवाईसी के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन बहुत सारे पॉइंट या सेंटर आपसे केवाईसी के रूप केवाईसी का कोई चार्ज ना लेके सर्विस का चार्ज ले लेते हैं, जो 20 रुपये से लेके 60 रुपये तक मांग लेते हैं वो लोग। दूसरी तरह से आप कहेंगे कि केवाईसी के लिए कोई पैसे नहीं लेते, वो कहेंगे केवाईसी के पैसे नहीं ले रहे हम, सर्विस के ले रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं या जो इंटरनेट खर्चा हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसके हम चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो आप
यहां से पता कर लीजिए, अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप पेटीएम के कॉन्टेक्ट नंबर पर जाके फोन करके कस्टमर केयर पे इन्फॉर्म कर दीजिए या मेल कर दीजिए। ये मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे करना है। तो ये सब सारी चीजें सेंटर आ गए, आपके जो नजदीक हो आप वहां पर जाइए। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल आपको जाना है और डायरेक्शन भी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे गूगल मैप पे खुल जाएगा कितनी दूर है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से खोल के पता कर सकते हैं। इसके बाद आप वहां जाइए और अपना KYC कंप्लीट करा लीजिए। कंप्लीट करने वाला आप अपने पेटीएम को किसी भी बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब से पेटीएम बैंक बन गया है तब से ये KYC की दिक्कतें इसमें आ गई हैं। KYC आपको करानी जरूरी है, तो यहां से कर लीजिए। अगर कोई सेंटर वाला आपसे पैसे मांगता है तो आप यहां पर आ जाइए, 24/7 हेल्प। इसमें आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, जहां से आप फोन करके शिकायत कर सकते हैं। ये देखिए बैंक वॉलेट एंड पेमेंट, तो यहां पे ये नंबर है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जो आप शिकायत भी कर सकते हैं, फोन करके या मैसेज करके भी शिकायत कर सकते हैं, ईमेल करके भी। शिकायत पर तुरंत ही एक्शन होता है पेटीएम की टीम की तरफ से। यदि कोई भी पैसे मांग रहा है तो आप इस तरह जरूर शिकायत करिए ताकि वो दोबारा से पैसे ना मांग पाए किसी से भी या आपसे भी। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं और पेटीएम बहुत ही अच्छा ऐप से, यहाँ से आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पैसे जमा भी कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे कर सकते हैं चीज़ें। वो कस्टमर केयर पर आप पूछिए तो वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इस तरह की सारी वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।